देखिए भाई, थाला फाइटी विजय सर के लियो के कहानी से बड़ी चीज रिवील हो चुका है जो सुन के आपको भी मजा आ जाएगा। सो इसलिए सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। जहां तो पहले आप बता दूं, ये जो लियो का चार दिन में चार पोस्टर भेजे हैं लोकेश कनकराज, इससे काफी सारे फिल्म का स्टोरी से रिलेटेड प्लॉट रिवील हो चुका है। जैसे पहला पोस्टर में लिखा हुआ है कीप काम एंड अवॉइड द बैटल, मतलब कि भाई फिल्म के शुरुआत में लियो एकदम डिफेंसिव रहेगा, वो किसी से मारपीट करना नहीं चाहेगा। फिर उसके बाद दूसरा पोस्टर में लिखा हुआ है कीप काम एंड प्लॉट योर एस्केप, शायद इस समय लियो किसी वार से भागने का प्लान बना रहा है, क्योंकि ये फैमिली मैन वाला बंदा है जिसकी वाइफ त्रिशा है और दो बच्चे भी हैं इस लियो के फिल्म में। सो इसलिए किसी से मारपीट करके फालतू में अपने फैमिली को मुसीबत में नहीं डालना चाहता होगा लियो, और इसलिए वो भागने का प्लान बना रहे। लेकिन इन दोनों के बाद ये तीसरा भयंकर पोस्टर भेजते हैं लोकेश कनकराज लियो फिल्म से, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कीप काम एंड प्रिपेयर फॉर बैटल, यानी कि भाई इस समय तक लियो का विलेन यानी एंटोनी कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया होगा लियो को, और जिसके बाद लियो का भी दिमाग सटक गया होगा और वो सटका हुआ दिमाग लेके एंटोनी से लड़ाई करने का तैयारी चालू कर दिया होगा इस समय। और तब आता है सबसे आखिरी में ये लियो का सबसे बवाल हिंदी का पोस्टर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कीप काम एंड फेस द डेविल, यानी कि भैया लियो के क्लाइमेक्स तक हमें थाला फाइटी विजय का डेविल रूप देखने को मिल जाएगा, मतलब उसी समय फाइनल बैटल होगा एंटोनी और लियो के बीच। एक्चुअली में इन चारों पोस्टर से लोकेश कनकराज लियो का कैरेक्टर रिवील कर दिए हैं। लियो का कैरेक्टर एक नदी के जैसा है, जब तक वो शांत है तो वो सबको सेवा देगा, लोगों को मदद करेगा अपनी कैपेसिटी से, जैसे नदी करती है लोगों को पानी देकर। लेकिन वही जब नदी में बाढ़ आ जाता है तो उसके चपेट में कई गाँव तबाह हो जाते हैं, और ठीक ऐसे ही लियो का कैरेक्टर भी है, जब लियो को गुस्सा आएगा तो वो सबको तबाह कर देगा, एंटोनी दास से लेकर हरोल्ड दास या फिर उसके आगे रॉलेस को भी। और ये नदी वाला हिंड खुद लोकेश कनकराज दिए थे थाला फाइटी विजय के जन्मदिन पर यह हयाना का पोस्टर भेज के, और इसमें भी वही नदी वाला बात लिखा हुआ है, जब तक नदी शांत है वो सबको आराम देगी, बट जब वो नदी को गुस्सा आया तो वो डेमन बन जाएगा, जिसके आगे अच्छा या बुरा सब उसके चपेट में आ जाएंगे। और इसीलिए लियो को डेविल बुला गया है, क्योंकि डेविल अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं, वो सबको नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे भाई मेरे हिसाब से इस लियो में थाला फाइटी विजय का डबल रोल नहीं है, बस हमें लोकेश कनकराज लियो के अंदर दो टाइमलाइन दिखाएंगे। वाला कश्मीर वाला सीन में प्रेजेंट टाइमलाइन होगा, जिसमें विजय सर का एज भी ज्यादा है, कम से कम 40-50 उम्र है उनका उस टाइमलाइन में, और दूसरा टाइमलाइन पुराने समय का होगा जब लियो एकदम यंग था, तब लियो उसी समय ही ड्रग बिजनेस चालू किया होगा, क्या पता उसके साथ रोलेक्स भी बिजनेस में न्यू आया होगा उसी समय ही, क्योंकि रोलेक्स भी विक्रम के केमियो में बोला था, मुझे पूरे 30 साल लगे हैं इस साम्राज्य को बनाने में, यानी लियो का बिगनिंग जरूर रोलेक्स के बिगनिंग से कनेक्ट होगा इस यूनिवर्स के अंदर। खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले लियो के मुद्दे पर आ जाते हैं। एक्चुअली भाई हो सकता है जो संजीव बाबा का एंटोनी का कैरेक्टर है वो लियो का फादर भी ना हो, और इस बात का काफी सबूत भी हमारे पास है, क्योंकि जब लियो जवान था तो उसी समय एंटोनी भी जवान था, हमें ये चीज ना रेडी सॉन्ग में देखने को मिला था, दोनों बीजे और संजीव बाबा एक ही एज के लग रहे थे चेन्नई के शेड्यूल में, लेकिन वही कश्मीर वाला शेड्यूल में लियो और एंटोनी दोनों का एज एक साथ ही ज्यादा दिख रहा था, मतलब दोनों का फिल्म में एज सेम ही सेम है, इसलिए एंटोनी लियो का बाप हो ही नहीं सकता है, और इसी कारण ही लियो ने उसको मारने के लिए गर्दन पकड़ा हुआ है। वेल भाई इस वीडियो से तीन कंक्लूजन निकला है मेरे हिसाब से, पहला लियो का कैरेक्टर नदी के जैसा है, फिर विजय का डबल रोल नहीं है इस फिल्म में, और तीसरा एंटोनी लियो का बाप नहीं है। बाकी अब तो कैप्टन ऑफ द शिप लोकेश कनकराज ही जानते हैं वो लियो में थाला फाइटी विजय के साथ क्या किए हैं। ये महा से बड़ी तोप है तमिल सिनेमा के, जिनके हर एक फिल्मों में आश्चर्यचकित करने वाले सीन और प्लॉट जरूर होते हैं। पक्का लियो में भी हम सब की उम्मीद से बड़ी भयंकर चीज वो प्लान कर दिए होंगे, जिससे हम जल्द ही 19 अक्टूबर को देखने वाले हैं। वैसे आपका क्या खुद का थ्योरी है लियो के बारे में हमें कॉमेंट में जरूर बताना, और साथ में ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाला आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को धन्यवाद।